प्रधानमंत्री मोदी ने रीवा में किया एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन। एमपी समेत दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली की सप्लाई। पीएम बोले, रीवा की नई पहचान बनेगा सोलर प्लांट। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बढ़ाई समय सीमा। करोड़ों गैस सिलेंडर धारकों को नवंबर तक मिली राहत। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। भारतीय नौसेना ने पूरा किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। 5000 के करीब भारतीयों को समुद्री मार्ग से लाया गया स्वदेश। कोरोना महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने नौसेना ने शुरू किया था स्पेशल ऑपरेशन। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का यूपी एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। 8 पुलिसकर्मियों को मारकर फरार हुआ था दुबे। एमपी से यूपी लौटते समय हुआ एनकाउंटर। पुलिस की दलील, गाड़ी पलटने पर बंदूक छीनकर भाग रहा था गैंगस्टर। मुंबई हाईकोर्ट के वकील अटल बिहारी दुबे ने विकास दुबे एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। बोले, फर्जी है एनकाउंटर। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से इंक्वायरी कराने की मांग। माननीय उच्चतम न्यायालय में विकास दुबे के फेक एनकाउंटर के मामले में रिटन कंप्लेंट ईमेल के द्वारा सबमिट की है। मैंने इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग और सीबीआई की जांच उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज के मार्गदर्शन में होनी चाहिए, ऐसी मांग की है। मेरी मांग का कारण यह है कि विकास दुबे खुद जाकर के महाकाल के मंदिर में मीडिया के समक्ष में सरेंडर करता है। मेरा बोलने का कारण यही है क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं और मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया है, तो इससे ये साबित होता है कि उसका खुद का इंटेंशन भागने का नहीं था। विकास दुबे पुलिस को कॉपरेट करता है और पुलिस उसको मध्य प्रदेश पुलिस के थ्रू हैंडओवर लेकर के उत्तर प्रदेश लेके जाती है। मीडिया पॉइंट टू पॉइंट एव हर जगह पर विकास दुबे को फॉलो करती है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि सुबह में इस घटना घटने के पहले मीडिया को भी उस जगह पर जाने से रोक दिया जाता है और विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में 20 से 30 पुलिस वाले वहां पे रहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के वेल ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, जो कि एक छोटे से अपराधी को जो एक पिस्तौल लेकर के भागने की कोशिश करता है और उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। जबकि पुलिस वाले इस मामले में लेकर के ऑलरेडी पुलिस वालों ने 2-3 एनकाउंटर पहले भी किए हुए थे और उससे उन्होंने कोई सबक नहीं लिया क्योंकि उसके साथी भी भागने की कोशिश में मारे जा चुके थे, लेकिन पुलिस का पहले से इंटेंशन था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस मामले में बड़े बड़े पुलिस के उच्चाधिकारी, बड़े बड़े राजनेता इन्वॉल्व हैं। इसके लिए पूरे के पूरे मामले को दबाने के लिए विकास दुबे का फर्जी एनकाउंटर किया गया है। मेरी इस मामले में इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय से फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने लेटर लिखा है और उम्मीद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें उचित कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मकान मातोश्री 2 को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उठाए सवाल। बोले, भ्रष्टाचार से सना हुआ उद्धव का नया मकान, ईडी से निष्पक्ष जांच कराने की अपील। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की चेतावनी, नहीं बख्शे जाएंगे रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले अपराधी। सरकार जरूरतमंदों तक दवा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध, दवा के अभाव में नहीं जाने देंगे किसी की जान। पुढल्या काही काळात राज्य शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिविर आणि टॉसिलोझुमाबची खरेदी राज्य शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे, जेणेकरून मुंबईत त्याचं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा जेव्हा कोणत्या गरजू पेशंटला याची आवश्यकता पडेल तर ते त्याला उपलब्ध झालं पाहिजे, या दृष्टीनं राज्य शासनाची खरेदीची प्रक्रिया चालू झालेली आहे आणि पुढील काळामध्ये लवकरात लवकर ती उपलब्ध होईल। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया पटना स्थित एनडीआरएफ कार्यालय का दौरा। बाढ़ की पूर्व तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया जरूरी निर्देश। बिहार के मुंगेर जिले में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की गला रेत कर की हत्या। ग्रामीणों पर पुलिस के लिए मुखबिरी करने का संदेह। घटना से सदमे में ग्रामीण, नक्सलियों की खोज में जुटी पुलिस। और बिहार के बेगूसराय जिले में लगा हफ्ते भर का लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम अरविंद वर्मा ने लिया फैसला।
अस्पताल और मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। ये आप लोग जैसा जानते हैं कि अभी 664 केसेस हो चुके हैं और टोटल एक्टिव 173 है, लेकिन पिछले 4 तारीख को 491 फिगर था, 664, तो ये लगभग आप 170 के आसपास, 170 के आसपास केसेस पिछले 5 दिन में बढ़े, उसमें 3 एरिया में प्रमुख रूप से बढ़े थे, बलिया में, नावकोटी में और यहाँ सदर नगर निगम एरिया में। लोगों ने इसको देखते हुए अभी इसको एक बार संक्रमण के खेल को रोकने के लिए ये निर्णय लिया है, जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि 11 तारीख से 16 तारीख तक कुछ हम लोग उसमें लॉकडाउन को करने का आदेश निर्गत किए हैं, तो उसमें एक्टिविटी जो एसेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज हैं सब अलाउड रहेंगे, बाकी प्राइवेट दुकानें बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस को छोड़ के सभी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगे, ताकि एक बार हम इस पर